इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। सुशांत सिद्दीकी को भी दिया था धमकी, मुंबई पुलिस ने फोन पर धमकियां देने वाले को पकड़ा है। नोएडा से पकड़ा गया फोन पर धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली का रहने वाला है। आरोपी मोहम्मद तैयब नोएडा थाना सेक्टर 39 क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ये आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां सलमान खान को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है, दिल्ली का रहने वाला है ये आरोपी, बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। दिल्ली का निवासी आरोपी मोहम्मद तैयब नोएडा थाना सेक्टर 39 क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है मोहम्मद की, बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ ये आरोपी बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सलमान खान को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ है और जिशांत सिद्दीकी को भी दिया था धमकी। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां जिशांत सिद्दीकी को धमकी दिया था, मुंबई पुलिस ने फोन पर धमकियां देने वाले को पकड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा से पकड़ा गया फोन पर धमकी देने वाला आरोपी। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली का रहने वाला है आरोपी मोहम्मद तैयब, सलमान खान को इसने धमकी दी थी और इसके साथ ही नोएडा थाना सेक्टर 39 क्षेत्र से इसको गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, मोहम्मद तैयब ये वही शख्स है जिसने सलमान खान को फोन पर धमकी दी थी और लगातार इसकी खोज में मुंबई पुलिस लगी हुई थी और आखिरकार ये पुलिस के गिरफ्त में। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, आखिरकार लगातार जो सलमान खान जिशांत सिद्दीकी को धमकी दे रहा था, ये शख्स गिरफ्तार हुआ, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, एक्टर सलमान खान और जिशांत सिद्दीकी को धमकी देने वाला जो आरोपी है, वो कहीं ना कहीं लगातार धमकी उसको फोन पर मिल रही थी। हालांकि नोएडा से तैयब को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुंबई पुलिस के द्वारा ये गिरफ्तारी की गई है नोएडा से सेक्टर 39 थाने से। हालांकि जो आरोपी है वो दिल्ली का रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो फोन पर कॉल करके लैंडलाइन नंबरों से इसके द्वारा जो धमकी दी गई और धमकी देने के बाद जो है अब इसकी गिरफ्तारी जो है मुंबई पुलिस के द्वारा की गई है। हालांकि मुंबई पुलिस नोएडा आती है, नोएडा पुलिस के साथ जो है इस पूरी गिरफ्तारी का काम किया जाता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरा मामला है, अब इस पूरे मामले में देखा जा रहा है कि किन लोगों के इस धमकी के पीछे तार जुड़े हुए हैं और जो आरोपी है मोहम्मद तैयब, ये किसके कहने पर धमकी दे रहा था, इन बिंदुओं पर पुलिस जो है मुंबई पुलिस जांच कर रही है। हालांकि आरोपी को नोएडा से मुंबई ले जाया गया है। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।